अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मिर्चों का सालन बताऊंगी। यह हैदराबाद की बहुत मशहूर रेसिपी है। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे, अब मैं उससे फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करूँ। यह मिर्चों का सालन की रेसिपी, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी जो इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे प्याज, लेंगे यहाँ मैंने ये प्याज कट करके रखी है। ये मैंने एक बड़ी दो बड़ी प्याज़ें थी जो मैंने रफली कट कर ली है। ये दो टमाटर थे, इसे भी मैंने रफली बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, ये मैंने 3 चम्मच लिया है, खाने के 3 चम्मच इस्तेमाल करूँगी मैं इसके। और ये मूंगफली का दाना है, ये भी 3 चम्मच ही लूँगी, दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। ये है करी पत्ता है, ये हरा धनिया मैंने कट करके चॉप किया है, चॉप करके रखा है। ये मेथी दाना है, ये 1/4 टीस्पून लिया है, और ये राई है, और ये कलौंजी है, ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है 1/4। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 2 चम्मच लिया है। ये नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने 1/2 चम्मच लिया लाल मिर्च पाउडर क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था इसलिए। और ये इमली का पल्ब है, मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था, उसके बाद मैंने उसको छान कर इसका पल्ब अलग कर लिया। ये एक लेमन साइज इमली का बॉल ली थी मैंने, और ये तेल लिया है। पहले ये मिर्चियाँ हैं, मैंने इसको अच्छे से धो कर लंबाई में कट कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट लगाया था, सभी मिर्चियों मैंने कट लगा लिया था। अब सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को ड्राई रोस्ट करेंगे, एक हल्का सा भूनना है इनको ताकि जो दानों का थोड़ा कच्चापन है वो चला जाए। देखिए दाने अच्छे से हो गए, साथ ही इसमें मैं ये ड्राई कोकोनट पाउडर भी डाल दूँगी, इसको भी थोड़ी से 2-3 मिनट भूनना है ताकि इसकी खुशबू आने लगती है, बस इतना ही भुनना है। देखिए मैं ये बहुत तेज़ी से जलता है इसलिए जब भूनते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस ये हो चुका है, अब मैं इसे अलग कर लूँगी। इसी पैन में मैं उसी पैन में मैं 3 चम्मच तेल डालूंगी, 3 खाने के चम्मच तेल डालूंगी। और इसमें जो मैंने मिर्चियों में कट लगाया था वो कट लगी हुई मिर्चियाँ थोड़े से तेल 2-3 मिनट तल कर निकाल लूँगी। सारी मिर्चियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए 2-3 मिनट इसको तलना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा जो इसकी ऊपर की स्किन थोड़ी सी हल्की सी रेड या थोड़ा होने लग जाए तो बस हमको निकाल लेने का है। देखिए वाइट वाइट होने लगती है इसकी स्किन, देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल फीकी मिर्च होती है, इसलिए इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा अपने हिसाब से डालना चाहिए। अब मैं उसी पैन में दोबारा तेल डाल रही हूँ, 2 चम्मच तेल डाला है, और मैं इसमें प्याज और टमाटर ऐड करके इसे भी मैं 2-3 मिनट भून लूँगी। टमाटर भी मैं साथ में ही डाल रही हूँ, मुझे सिर्फ इसका थोड़ा सा कच्चापन निकालना है, कुक पूरा कुक नहीं करना है। देखिए मैंने बड़ा बड़ा ही कट करा था क्योंकि मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। इसे 2-3 मिनट अच्छे से पकाना है,
अब मिक्स हो चुका है ये, इसे भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी, हो चुका है अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और ये मूंगफली का दाना और खोपरे को भी मैं पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने फिर से तेल गरम करा है। अब इसमें मैं ये राई, मेथी दाना और कलौंजी डाल देती हूँ। जब अच्छे से तड़क जाए तो उसके बाद मैं इसमें करी पत्ता ऐड करूँगी। सब अच्छे से हो गया है, अब मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर देती हूँ। करी पत्ती से बहुत अच्छी आ रही है मेरे किचन में। अभी प्याज और टमाटर का पेस्ट है, फिर मैं डाल के इसमें भूनना है। मुझे अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस प्याज और टमाटर ही है। इसको मैंने फाइन पेस्ट बनाया बिल्कुल। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी ताकि ये भी साथ के साथ ही भुनता जाए। जब मसाले सब अच्छे से मिल जाए तब इसमें हम सारे सूखे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, ये 1/4 लिया है मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया और धनिया पाउडर भी आधा चम्मच लिया है। हल्दी 1/4 टीस्पून लिया। अच्छे से तेल में इसको भूनना है ताकि जो सारी चीज़ों का कच्चापन चला जाए। साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने मूँगफली और खोपरे का पेस्ट बनाया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए इसमें डाल दिया। ये हमने पहले ही भून लिया था इसलिए अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ही मैंने भून कर इसको पेस्ट बनाया था। हम इसमें हरा धनिया भी इसी टाइम डाल दूंगी बिल्कुल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, हरा धनिया, करी पत्ता सब मिलके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस वक्त हम इसमें ये हमारी जो तली हुई मिर्चियाँ थी ये डाल देंगे। मिक्स कर दीजिए। अब इसे हम गलने तक पकाएंगे ताकि मिर्चियाँ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प। मैंने लेमन साइज बॉल लिया था इमली का, उसको भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया था। बस अब इसको पूरी तरह से सभी मसाले डल चुके हैं। अब इसे ढक के हम बनाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है और ये हमारी मिर्चें भी गल चुकी हैं। तो हमारा अब मिर्ची का सालन रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्द ही मैं दोबारा